आज तो हमने आपने टेस्ट के लिए कहा था ना, तो वो टेस्ट बना लिया आपका। देखें आप कितने आंसर देते हैं। टेस्ट में जरूर आया करें, जिससे आपको अपनी स्टैंडिंग का पता चल जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जबकि आप टेस्ट में कम आते हैं। ये मैंने देखा है, टेस्ट से डरते हैं आप। ये डरना निकाल दीजिए, डर के आगे जीत है, कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। तो शुरू करते हैं हम टेस्ट। इसमें क्या होगा, या तो हम आपसे पूछेंगे कैटलिस्ट क्या है, या इस रिएक्शन जो आपको दे रखी है इसका नेम क्या है, किस नेम रिएक्शन से है ये, या इसमें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किसका हुआ। तो रिएक्टेंट पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, कैटलिस्ट पूछ सकते हैं, और कैटलिस्ट या कैटालिटिक प्रमोटर, कैटालिटिक पॉइजन, ऐसी चीजें पूछी जाएंगी, और नेम रिएक्शन भी पूछ सकते हैं कि किस नेम रिएक्शन किया है। तो नाउ वी स्टार्ट। देखिए ये रिएक्शन है आपकी, ये है एसीटल्डिहाइड, जिसे एथेनल कहते हैं। ये दूसरा मॉलिक्यूल भी एसीटल्डिहाइड का, लेकिन हमने क्या किया है, इसका अल्फा हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन अलग कर दिया, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन यहां आके जुड़ेगा पहले मॉलिक्यूल से। तो अगर ध्यान हो, मैंने जब ये मैकेनिज्म बताई थी तो उसमें बताया था कि ए को एक नाम दिया जाता है तो बी को दूसरा नाम। तो यहाँ पूछ रहे हैं कंपाउंड ए इज नोन एज, ए को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या दोनों, इसकी बात हो रही है पहली बार। तो इसे क्या कहते हैं बताइए, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल ए, क्यों? पहला इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है, दूसरे को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये OH आयन है, इसके अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देता है, वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और ये है, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, जो पहली रिएक्शन थी जिसमें दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे थे और अल्फा हाइड्रोजन भी था, तो उस रिएक्शन का नाम क्या है? वो रोजन मुंड रिडक्शन है या रिएक्शन है, वो स्मिथ रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है, या कोई भी नहीं है, बताइए। सी, बिल्कुल सही, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें एल्डोल बना था। देखिए एल्डोल, एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ऑल ग्रुप भी है, तो एल्ड प्लस ओल, एल्डोल बना। ये आपका थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल है, अगर इसको हीट कर दें, इसको हीट करेंगे तो माइनस एच टू ओ हो जाएगा और ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच ओ ब्यूट टू इन वन अल। ये पूरी रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है, ये तो एल्डोल फॉर्मेशन हुआ, एल्डोल। और एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में आप एल्डोल को हीट करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। चलिए बहुत अच्छे, ये थी एल्डोल कंडेंसेशन। अब इस रिएक्शन को देखें आप, दिस इज ब्यूट ब्यूट टू आयन, क्या है, ब्यूट टू वाई एन आयन, और प्लस इसका रिडक्शन वाई इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, ये अमोनिया है जी, लिक्विड अमोनिया। तो प्रोडक्ट फॉर्म इज, द प्रोडक्ट इज सिस ब्यूट टू इन, ट्रांस ब्यूट टू इन, या दोनों बनेंगे या नन ऑफ दीज। मेजर प्रोडक्ट इज बी ट्रांस ब्यूट टू इन, बहुत अच्छे। तो चलिए यहीं पर ये भी बता दो, इस रिएक्शन का नाम क्या है, कौन सी रिएक्शन कहलाती है, अगला क्वेश्चन यही है। द प्रोडक्ट इन द क्वेश्चन थ्री ट्रांस ब्यूट टू इन, देन व्हाट इज द नेम ऑफ द एबव रिएक्शन, उस रिएक्शन का नाम क्या है, ब्रिज रिडक्शन, रोजन मुंड रिडक्शन, स्टीफेंसन रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन, ब्रिज रिडक्शन, वेरी गुड। देखिए आपने तैयारी की है, बहुत अच्छे, ब्रिज रिडक्शन है। अब यहां पे देखिए, दिस इज एसी
टेल क्लोराइड और एथेनॉल क्लोराइड और इससे बनाए एथेनॉल एसिटाल्डिहाइड। व्हाट इज द रोल ऑफ BSO4? इस BSO4 का क्या रोल है, यहाँ क्या काम करता है बताएं? एज ए कैटलिस्ट, एज ए पॉइजन फॉर PD। ये PD पी कैपिटल है जी, पैलेडियम है, पैलेडियम PD, ठीक है। बताइए क्या है इसका? ए एज ए कैटलिस्ट, और कोई आंसर? सी कैटलाइटिक प्रमोटर, कोई बी बता दो, डी और रह गया बी और डी। बी मेन आंसर इज बी, एज ए पॉइजन फॉर पैलेडियम। ये BSO4 पैलेडियम के लिए पॉइजन का काम करता है, क्यों? बस यहीं तक रिएक्शन को होने देगा, आगे नहीं होने देगा। अदरवाइज ये ना होता तो फिर रिएक्शन होता इसका और एथिल अल्कोहल बन जाता, यानी एथेनॉल बन जाता। सो इट चेंज द रिएक्शन इन फर्स्ट स्टेप ऑन। ये एक स्टेप में ही होगी, अगला स्टेप इसमें नहीं होगा, ध्यान रखें। इट चेंज द स्टेप एज ए पॉइजन फॉर PD, यहां हो गया, हो गया। चलिए, अच्छा ये तो गलत हो गए। इस रिएक्शन का नाम, वो तो आपने देख ही लिया होगा, इस रिएक्शन का नाम है रोजनमुंड रिडक्शन, इन विच एसिड हैलाइड आर कन्वर्टेड टू हैलाइड। तो ये तो हो चुका, देख लिया। सेवेंथ बात है, विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्योर एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स। केवल उससे प्राइमरी एमीन बनती है, एरोमेटिक एमीन नहीं बनती, एलिफेटिक एमीन बनती है, यानी CH3NH2, C2H5NH2, प्रोपेनामीन, ब्यूटेनामीन, इस तरह से एनिलीन नहीं बनेगी, एरोमेटिक एमीन नहीं बनती। कौन सी रिएक्शन है? मेंडियस रिडक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन और नन ऑफ दीज। बताइए तीनों आगे फिर तो ABC सोचो। मेंडियस रिडक्शन क्या है बेटा? इसमें है RCN, RCN प्लस 4H और यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है C2H5OH प्लस Na। तो R तो CH3 भी हो सकता है, C6H5, तो इसमें बनती तो प्राइमरी अमीन है लेकिन वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों बन जाती है, ऐसे हॉफमैन ब्रोमाइड में भी दोनों बन जाती है। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स ओनली। ये पूछा भी जाता है कि व्हाई वी कैन नॉट प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन बाय दिस रिएक्शन। तो जैसे पोटेशियम थैलेमाइड बनता है, पोटेशियम थैलेमाइड विल नॉट रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन और आपका हेलोएरीन, हेलोएरीन से आपकी पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन नहीं होती, तो बेंजाइल थैलेमाइड नहीं बनता या फिनाइल थैलेमाइड नहीं बनता। जब वो ही नहीं बनेगा तो हाइड्रोलाइसिस किसका करेंगे? तो इससे केवल और केवल ये इसका आंसर है जी, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। आठवा, इन विच रिएक्शन सैलिसिलिकाइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम फिनॉल विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH। देखिए बताएं जी, डी और कोई? डी बहुत अच्छे, राइमल्टीमैन रिएक्शन, और क्लोरोफॉर्म की जगह अगर कार्बन कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 ले लें तो सैलिसिलिकाइड की जगह सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। तो इसके हमने दो पार्ट बताए थे, एक क्लोरोफॉर्म और एनिवेसिय और एक में आपका, एक में क्या है जी, एक में आपका CCl4 और NaOH है, तो वहां सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो राइमल्टीमैन रिएक्शन के पार्ट हैं, इन विच रिएक्शन एल्किल साइनाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। एल्किल साइनाइड R सिंगल बॉन्ड CN और कन्वर्ट हो जाता है R सिंगल बॉन्ड CH2।
वो कौन सी रिएक्शन है बताइए। बी स्टीफेंस रिडक्शन, बहुत अच्छे, स्टीफेंस रिडक्शन क्या होता है, यहाँ पे 2H लेते हैं, कहां से आता है 2H, SNCl2 प्लस 2HCl से, तो बन जाता है R CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो R CHO और प्लस NH4Cl निकलता है, व्हाइट फ्यूम्स बनाता है, बहुत अच्छे स्टीफेंस रिडक्शन। By which reaction chlorobenzene is prepared industrially from benzene? Benzene से chlorobenzene large scale पर, industrially means large scale पर, वो कौन सी reaction है? एक main reaction है जिससे ये बनता है benzene to chlorobenzene at large scale यानी industrial preparation, बताइए। B तो aldol condensation है, तो aldol तो aldehyde वाला, ये तो होगा नहीं। C dose process है, dose process देखिए इसका आंसर है A, इसमें क्या होता है जी, दो मॉलिक्यूल इसके लिए जाएंगे प्लस 2HCl लेंगे हम प्लस O2 और इन प्रेजेंस ऑफ CU2Cl2 Q प्लस क्लोराइड, तो दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन प्लस 2H2O बनता है 2S2, ये इस तरह से ये बनता है, इसे कहते हैं राशिक प्रोसेस, और डोज प्रोसेस है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, ये है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना, ये डोज प्रोसेस है। जैसे इसको फ्यूज करते हैं विद NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये डोज प्रोसेस क्लोरोबेंजीन से फिनॉल और बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना इंडस्ट्रियली, दैट इज रासायनिक प्रोसेस, रासायनिक प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय डाई एजोटाइजेशन, डाई माने दो, एजो माने नाइट्रोजन, कन्वर्जन ऑफ NH2 इनटू OH ग्रुप, कन्वर्जन ऑफ NH2 इनटू Cl, conversion of NH2 into N2Cl, conversion of N2Cl into OH, बताइए, सोचे, CDA, B कोई क्यों छोड़ो, इसे भी ले लो, देखिए नाम पर ध्यान दें तो आपको क्लियर हो जाएगा, What do you mean by diazotization, di माने दो, azo माने नाइट्रोजन, प्रोडक्ट में दो नाइट्रोजन होनी चाहिए, रिएक्टेंट में नहीं, प्रोडक्ट में, तो सी NH2 ग्रुप किसमें बदल जाए, N2Cl में, जो अभी आप कह रहे थे तब बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड का चार्ट नहीं दिया, तो जब बेंजीन से सीधे सीधे NH2 जुड़ा होता है तो डायजोटाइजेशन केवल उसी का होता है, किससे, NaNO2 plus 2HCl एट 0 to 5 degree क्या बन जाता है, N2Cl बनता है प्लस NaCl और प्लस 2H2, सो NH2 when directly attached with benzene it will be converted into N2Cl, di azo, di माने दो, azo माने नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, यही आ रहा है दो नाइट्रोजन, या तो एल्कोहल बन रहा है या फिनोल आएगा, ये क्लोरोबेंजीन ये फिर और ये उल्टा हो गया जी, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फिनोल बन जाएगा, तो हमारा सी है इसका आंसर, डाई एजोनियम साल्ट बन जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन, इन विच रिएक्शन डिग्रेडेशन टेक्स प्लेस, डिग्रेडेशन समझते हैं, कार्बन कम हो जाना, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कार्बन रिएक्टेंट से कम हो, वो डिग्रेडेशन कहलाता है। सोचे ए और कोई बी, तो तीनों आ गए, देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या होता है,
C2H5Cl, sorry Cl, plus 2Na, plus Cl C2H5 उल्टा लिखो, यानी एलिफेटिक क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल, तो ये क्या बनेगा C4H10 ब्यूटेन। यहाँ तो कार्बन बढ़ गए जी, कार्बन बढ़ गए आपके, यहाँ पे कार्बन आपके बढ़ गए, यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ हो गए चार, तो ये तो ग्रेडेशन हुआ, डिग्रेडेशन है। फ्रैंकलैंड में यहाँ जेडन दिया जाता, तो यहाँ क्या निकल जाएगा जेडन सीएल टू, तो दोनों ये तो ग्रेडेशन वाले, अपग्रेडेशन क्या होगा ग्रेडेशन, केवल ये हाफ मेन ब्रोमाइड आर सी ओ एन एच टू प्लस बी आर टू प्लस फोर के ओ एच इज इक्वल टू आर एन एच टू प्लस टू के बी आर प्लस के टू सी ओ थ्री प्लस टू एच टू। सो दिस इज नोन एज हाफ मेन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें देखिए एक कार्बन कम हो गया, सीओ कहां चला गया के टू सीओ थ्री के रूप में, तो ये कहलाता है, इसका दूसरा नाम ये भी है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड की जगह हॉफमैन डिग्रेडेशन भी नाम है इसका, तो इसका आंसर है जी ए। ठीक है, विच रिएक्शन इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्केन्स हैविंग ऑड कार्बन एटम, यानी तीन पांच सात इस तरह की ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑड कार्बन एटम्स जिस एल्केन में हो उस एल्केन को बनाने के लिए कौन सी सुइटेबल रिएक्शन है बताइए। डी और कोई डी, बिल्कुल सही। देखिए वुड रिएक्शन में इमिन वाले बनते हैं, दो एलिफेटिक हैलाइड लेंगे, अगर हमने दो अलग अलग ले लिए तो यू विल गेट ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन नॉट ए सिंगल, एक सी एस थ्री सी एल ले लें और एक आपका ले लें सी टू एच फाइव सी एल सी टू एच फाइव, तो कहने को तो आपका और बन जाएगा ये तीन कार्बन वाला सी थ्री एच एट, लेकिन ये इसकी संभावना प्योर की नहीं है प्लस टू एल ए सी एल, क्यों नहीं है जी भाई, ऐसा भी तो हो सकता है इसके दो मॉलिक्यूल मिल जाए 2Cl3Cl plus 2Na और ड्राई ईथर लिया जाता है, ड्राई ईथर सब में होगा, ड्राई ईथर तो क्या बनेगा यहां C2H6 बन जाएगा plus 2NaCl, और अगर इसके दो मॉलिक्यूल मिल जाए plus 2Na तो क्या संभावना है ये जो कहता हूं C4H10 प्लस टू एन ए सी, तो यू विल गेट ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी दो कार्बन वाला, तीन कार्बन और चार कार्बन का, जबकि हमें केवल तीन कार्बन का चाहिए, तो वो कोरे हाउस सिंथेसिस है इस काम के लिए, कोरे हाउस सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मैंने बताया था बेंजीन, टाल्विन, फिनॉल, ये सब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देते हैं, क्या क्या है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइनेशन, एल्काइनेशन जिसमें एल्काइल ग्रुप आता है बेंजीन रिंग में एल्काइनेशन। चलिए पहले आप बताओ फिर बताऊंगा उसके बाद, आंसर बताएं इसका टू टाइप्स और फोर टाइप्स, फिर डी, डी आंसर बिल्कुल सही है, कैसे एक होता है एल्काइलेशन, दूसरा होता है एसिटाइलेशन, तीसरा होता है एराइलेशन, एराइलेशन चौथा होता है बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन ये आरएक्स से होगा, ये आर सी ओ एच से होगा, ये सी सिक्स एच फाइव एक्स से होगा, ये सी सिक्स एच फाइव सी ओ एच से होगा, इसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, इसमें
COCH3 टाइल ग्रुप जुड़ेगा, इसमें C6H5 जुड़ेगा यानी फिनाइल ग्रुप जुड़ेगा, और इसमें COC6H5 बेंजोइलेशन बेंजोइल ग्रुप जुड़ेगा। तो ये चार तरह की होती है, एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन, एराइलेशन एंड बेंजोइलेशन। इट इज ऑफ फोर टाइप्स। विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयरिंग विच कंपाउंड? एल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड। नाम रिएक्शन देखिए कितनी बढ़िया है, विलियमसन सिंथेसिस, बहुत अच्छे। दिस इज बी, क्लियर है, ईथर बनता है, बहुत अच्छे। केनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ओनली कीटोन्स, ओनली दो क्या बात, ओनली दो एल्डिहाइड्स विच हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, ओनली एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, बताइए ए और डी है। तो इसका आंसर है जी डी, कीटोन तो इस रिएक्शन को देते नहीं, एल्डिहाइड में भी केवल सेलेक्टेड एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहलाती है। इसके दो मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करेंगे, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, C6H5CHO और CCl3CHO। इनमें अल्फा हाइड्रोजन होना नहीं चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होता है तो एल्डोल कंडेंसेशन होता है, वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते। चलिए जी, इस रिएक्शन का नाम बताएं, यानी एक तरह से क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने प्राइमरी एमीन यानी 1° एमीन में बदल दिया। इस रिएक्शन का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? मेंडियस रिडक्शन, बी हॉफमैन डिग्रेडेशन। द करेक्ट आंसर इज ए, कर्टियस डिग्रेडेशन है। डिग्रेडेशन क्यों कहलाया? देखो यहां पे भी ये कार्बन कम हो गया, RNH2 आया तो ये कार्बन गायब हो गया, तो ये भी आपका डिग्रेडेशन है, लेकिन ये कर्टियस रिएक्शन, कर्टियस डिग्रेडेशन। हॉफमैन डिग्रेडेशन में एमाइड लिया जाता है, एसिड नहीं होता, एमाइड से शुरू होता है। चलिए, कर्टियस डिग्रेडेशन। सेवेटियर सैंडर्स रिएक्शन बिलोंग्स टू, किससे जुड़ी हुई है? नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम बहुत बड़ा है इस रिएक्शन का, और इतनी सरल रिएक्शन है कि देख के कहोगे अच्छा इसका नाम है, इस रिएक्शन का नाम है ये। बताइए, रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू एल्केन्स, बिल्कुल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल CH3 सिंगल बॉन्ड से। कितनी सरल रिएक्शन है, एक एक एच जुड़ गया, एक बॉन्ड कम हो गया, ऐसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पहले एथीन बना, फिर दोबारा से रिएक्शन हुई निकल की प्रेजेंस में, तो एथीन, एथाइन, एथीन, एथीन। ये बता, सेवेटियर सैंडर्स रिएक्शन, वेरी गुड। इट इज द रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ईटीसी। व्हाट इज द सूटेबल कैटलिस्ट इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन? ये बताएं आप, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ए, ए सी, इट्स आंसर इज सी। क्यों? एनहाइड्रस AlCl3 भी लुईस एसिड है और BF3 भी लुईस एसिड है, ये भी लुईस एसिड है BF3।
तो इसमें लुइस एसिड लिए जाते हैं तो एनहाइड्रस एलसीएल थ्री भी हो सकता है और वो बी एफ थ्री भी हो सकता है। तो बोथ ए एंड बी। दिस रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर एल्केन्स एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। ये है इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक ही नेम रिएक्शन है जिससे एल्केन एल्कीन और एल्काइन तीनों बन जाते हैं। एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन तीनों बनते हैं जिससे डी कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। ए राशिक प्रोसेस। सी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए कोल्बे दो जगह आ रहा है। कोल्बे स्मिथ हो जाएगा तो वो फिनोल से रिलेटेड है, ध्यान रखना फिनोल से। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में बता दू, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन ये है, ये सोडियम फिनोक्साइड लें आप, सोडियम फिनेट भी कह देते हैं, इस पर CO2 की रिएक्शन कराएंगे एट 120 टू 130 डिग्री सेल्सियस एंड 5 to 10 एटीएम प्रेशर। क्या बन जाता है? ये बन जाता है जी, यहां तो OH आ जाएगा और यहां होगा COO। इसका नाम है मोनोसोडियम सैलिसिलेट। अब आप देखिए OH, यहां ONA था और अब आ गया OH, हुआ क्या? आप ध्यान से समझना, CO2 इज एसिडिक। जब ये यहां आई ऑर्थो पोजीशन पर तो ये ज्यादा COH आ जाता है। COH इज मोर एसिडिक देन OH ग्रुप। तो NA कहां जाएगा? जहां उसे ज्यादा एसिड, यानी जहां से खाद्य दाणी ज्यादा होती है आदमी वहां चला जाता है। तो यहां से शिफ्ट होकर NA आ गया, मोनोसोडियम सैलिसिलेट। इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ, हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। तो क्या हो जाएगा जी? ये H आ जाएगा, तो सैलिसिलिक एसिड। तो हमने आपको कोल्बे सीमेंट से भी एसिडिक सैलिसिलिक एसिड बन गया और राइमर टीमेन रिएक्शन के सेकंड पार्ट से भी बना। तो ये कोल्बे सीमेंट किससे जुड़ी हुई है? फिनोल से, और सैलिसिलिक एसिड बनाने के कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर ध्यान हो, हमने कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बताया था? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बताया था, इससे तीन रिएक्शन है। इसे एल्केन बनाने के लिए हम सोडियम या पोटेशियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। क्या बनता है? दो मॉलिक्यूल बने CH3COO नेगेटिव प्लस 2 है। ये दोनों कहां जाएंगे? एनोड पर 2CH3COO इज इक्वल टू बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो एल्केन बनाने का हो गया। अब एल्कीन है तो मैंने बताया था सोडियम या पोटेशियम सक्सीनेट। अब क्या के ले लो उस दिन एन ए लेके बताया। तो ये आपका हो गया CH2COO नेगेटिव CH2COO नेगेटिव प्लस 2K पॉजिटिव। ठीक है, यहां जो एन जाता है ये पॉजिटिव बनेगा, गलत दिखा रखा। तो ये कहां जाएगा? ये हाइड्रोजन निकालता, ऐसे ये आएगा एनोड पर, एट एनोड ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या बनाएगा? ये CH2 जो आपस में जुड़े तो एक बॉन्ड फालतू लग जाए, क्यों? इधर से ये निकल गए प्लस 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा सोडियम या पोटेशियम एसीटेट लिया तो एथीन बनी, सोडियम या पोटेशियम सक्सीनेट लिया तो एथीन बनी, और एक बार हमने ले लिया सोडियम या पोटेशियम मैलेट, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस ही कहलाएगा ये, दोनों तीनों कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है प्लस 2 Na पॉजिटिव।
तो क्या होगा जी, अब ये जब एनोड पर जाएगा तो CO2 यहां से हटेगा तो एक बॉन्ड फालतू लग जाए, टू व्हीलर। और एनोड कैथोड पर हमेशा हाइड्रोजन पर, तो ये है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जिससे हमारी दोनों के दोनों बनती हैं जी, ठीक है जी, तीनों एल्केन एल्कीन और एल्काइन तीनों बनते हैं जी। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन बनाने के लिए क्या है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कंसेप्ट क्लियर, कॉल्बे सिमिट सिमिट वर्ड आते ही फिनोल से रिलेटेड हो जाएगी, और कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है तो इलेक्ट्रोलाइसिस ये आपकी 11th की रिएक्शन थी अगर आपको पता हो, एथेन एथीन एथेन तीनों बनते थे इसे। 21st, which is the reaction in which a ketone is converted into 2 degree alcohol, ये 2 degree alcohol यानी secondary alcohol जिसमें CHOH ग्रुप होता है और दो इस कार्बन की वैलेंसी दो पूरी हुई है, एक ऐसे एक ओएच से दो एल्काइल ग्रुप होती है, किससे, इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। देखिए मान लीजिए ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अगर ध्यान हो आपको ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और इससे बनाना हमें एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, तो इसका ये क्या छटाओ, इसकी वैलेंसी एक हो जाएगी, एच पॉजिटिव हटते इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां ले लो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो यहां ट्राइस हो जाएगा, इसकी वैलेंसी एक है, तो ये कहलाएगा एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अभी बताया था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यहां क्या काम करेगा, इट एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का काम, तो जहां आप देख रहे हैं ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपका सॉल्वेंट का काम कर रहा है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड यूज हो रहा है, और इन विच रिएक्शन एक कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो उस रिएक्शन का नाम बताएं, HBZ हेलवोल्ड हार्ड जेलिनस्की रिएक्शन, मियरविन पोंड्रोफ वर्ले रिएक्शन, वुड रिएक्शन, बेगमैन रीअरेंजमेंट, बताइए बी। चलिए और कोई देखिए, HBZ रिएक्शन में बता दूं क्या है, ये CH3COOH प्लस Cl2 या Br2 इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो क्या होगा, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो अल्फा कार्बन है इससे जुड़े हाइड्रोजन हटना शुरू होती है, तो ये बन गया CH2ClCOOH प्लस HCl, अगर यहाँ Br2 होता तो यहाँ Br आ जाता और HBr निकल जाता, ये है HBZ रिएक्शन, हेल वोल हार्ड जेलिनस्की रिएक्शन, इसका आंसर है मियरविन पोंड्रोफ वर्ले रिएक्शन, ये हम आपको करा चुके हैं, कुछ नहीं है जी, एसीटोन लिया या आपने कीटोन लिया, ऐसा ये CO ये कीटोन और यहां भी आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, इसमें बदल जाएगा, एक एच यहां जुड़ेगा, एक एच यहां जुड़ेगा, और ये आएगा कहां से, यहां से, ये स्वयं तो कीटोन में बदलेगा और इसे कीटोन को एल्कोहल में रिड्यूस करेगा, तो मियरविन पोंड्रोफ वर्ले रिएक्शन कह दो रिडक्शन कह दो एक ही बात, ठीक है जी, ये MPB मियरविन पोंड्रोफ वर्ले रिएक्शन। अब आइए इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखें, ये CH3 यहां C2H5 है, C डबल बॉन्ड NOH यानी ये कीटोन है इस तरह का, ये इसका नाम है 1,2,2,4 Butane 2-ol, जब इसकी NH2OH से रिएक्शन होती है हाइड्रोक्सिलेमीन से तो O इसका हटता है, H2 इसका ऑक्सिम बनता है, CH3 C2H5
डबल बॉन्ड एन ओ एच मान लो ऐसे जुड़ गया और माइनस हो गया एच। ठीक है जी, तो यह ओ प्रोडक्ट है, इससे प्रोडक्ट क्या बना, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, यहां रीअरेंजमेंट हुआ, री अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होता इन प्रेजेंस ऑफ एसोसियल टू एस टू एस ओ फोर और बहुत से एल आई एल एच, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हमने आपको लिखवाया भी था अगर ध्यान हो तो पहले आप प्रोडक्ट बताएं फिर मैं समझाऊंगा। इसका आंसर है बी, मैंने आपको बताया था, देखिए इट इज सिस विद रेस्पेक्ट टू सी टू एच फाइव, सी टू एच फाइव और ओ एच ए की साइड में तो ट्रांस वाला शिफ्ट होता है, जब भी माइग्रेशन होगा कौन से अल्काइल ग्रुप होगा जो इससे ट्रांस होगा इसके बिल्कुल सामने, तो ये माइग्रेट होके एन एच से जाके जुड़ेगा, ओ इससे आके जुड़ जाता है, ये जोकत हो रहेगा, ये अपनी जगह पे वो तो सी टू एच फाइव सीओ एन एच और ये जाके वहां जुड़ेगा सी टू एच फाइव सीओ एन एच सी एच सी, ये आपका आंसर होगा। अगर ये बदल जाए सी एच थ्री यहां जाए सी टू एच फाइव वहां तो फिर सी टू एच फाइव जाएगा वहां, जो ओ एच के ट्रांस पोजिशन पर होता है दैट विल माइग्रेट, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है चलिए, ये कंसंट्रेट एच टू एस ओ फोर, इस रिएक्शन का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रीअरेंजमेंट, चलिए शाबाश बताएं। चलिए आपका आंसर तो सही है, यही है, ये बैकमैन रीअरेंजमेंट है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अब मुझे एक बात बताना, इसका प्रोडक्ट बता दो, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट फर्स्ट तो ये है, सेकंड ये है, ये है एन फिनाइल एथेनेमाइड और ये है एन मिथाइल बेंजामाइड, बताओ कौन सा प्रोडक्ट फर्स्ट बनेगा या सेकंड इसमें इस रिएक्शन में, एसिटल जाइड तो क्वेश्चन नहीं है इसमें, एन फिनाइल एथेनेमाइड बिल्कुल, देखिए मैंने क्या बताया था, जो ट्रांस पोजिशन पे वो शिफ्ट होगा और एनएच के बाद आ जाएगा, वो बाद में आएगा, ये शिफ्ट होके बाद में जाएगा, ये CH3CO NHC6 जाएगा, बहुत अच्छे, तो इसमें और इसका नाम है बैकमैन रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट में ट्रांस पोजिशन वाला किससे ट्रांस, इस OS से जो ट्रांसफर है, ये दोनों से सिस हैं, तो जो ट्रांस वाला है वो माइग्रेट होता है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े, चलिए लास्ट क्वेश्चन अभी तक, अच्छा ये तो आंसर है, ये बैकमैन रिएक्शन, ये लास्ट रिएक्शन, इन मैनिक रिएक्शन एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड यानी आर सी ओ एन एस टू एमाइड होते हैं, या एन से आर हो जाए, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड कन्वर्टेड इनटू विच प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एल आई एल एच फोर, इन प्रेजेंस ऑफ एल आई एल एच फोर, बताइए अगर अब इसका रिडक्शन करें एल आई एल एच फोर की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, बताएं आप, टू डिग्री एम ई, वेरी गुड, देखिए ये जो होगा सीओ ये सी एच टू में आ जाएगा, आर सी एच टू एन एच आर, इससे एक एल्काइल ग्रुप ये एक एल्काइल ग्रुप है, ये एन एच, एन एच जो सेकेंडरी एमीन होती है जिसे हम टू डिग्री एमीन कहते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे जी। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मैंने एक दिन बताया भी था आपको, एक है एन ए बी एच फोर, एन ए बी एच फोर, एक है एल आई एल एच फोर, इनमें कौन सा ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट,
Which one is a strong reducing agent? LiElF4. बिल्कुल, ये केवल तीन सब्सटेंस को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, एसिड हैलाइड को प्राइमरी अल्कोहल, और ये 6-7 को करता है एसिड के सभी डेरिवेटिव। इवन देखो ये एन एल्काइल एसिटामाइड को भी सेकेंड यानी सी ओ का ओ हटाकर यहाँ स्टूला दिया, तो ये एमाइड्स को भी प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन में बदलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, एस्टर को प्राइमरी अल्कोहल में, एसिड एनहाइड्राइड को भी प्राइमरी अल्कोहल में बदलता है, बाकी आपका एसिड हैलाइड को भी, जैसे जो NaBH4 करता है उन तीनों को तो करता ही है, साथ में 5-6 को और भी रिड्यूस करता है, तो ये बहुत अच्छा। एक और चीज आती है PCC, कभी नाम सुना हो PCC, PCC क्या है भी? और इसका यूज क्या है, कोई बताए इसकी फुल फॉर्म? PCC, वेरी गुड, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, बहुत अच्छे, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट होता है ये, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये Cl नेगेटिव डॉट CrO3, दिस इज PCC, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, जब इन पे पॉजिटिव है तो Cl पर नेगेटिव हो गया। इसका काम क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है और सेकेंडरी अल्कोहल को आपका कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है, PCC, बहुत अच्छी। एक और है हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट ये क्या है, इसका क्या काम है, हिंसबर्ग रिएजेंट ये तो हमारा हो गया, इसमें 2 डिग्री आएगा, तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है जी, बेंजीलिन के ऊपर SO2Cl, not SOCl, बेंजीन के ऊपर SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, ये क्या करता है जी, ये प्राइमरी अल्कोहल के साथ, ओ सॉरी प्राइमरी एमीन के साथ एक सॉलिड कंपाउंड बनाता है विच इज सॉल्युबल इन KOH। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन में जो डिफरेंशिएट करने में यूज होता है वो है ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, BSC, BS और C ऐसे पूरा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्या करता है, जो प्राइमरी एमीन है RnH2 के साथ सॉलिड कंपाउंड बनाता है, वो सॉलिड कंपाउंड इस सॉल्युबल इन KOH, और सेकेंडरी एमीन जिसमें NH होता है उसके साथ भी ये सॉलिड कंपाउंड बनाता है लेकिन दैट इज नॉट सॉल्युबल इन KOH। तो जो सॉलिड कंपाउंड बनाए उनमें जो सॉल्युबल हो KOH में वो प्राइमरी एमीन है, जिसका कंपाउंड सॉल्युबल नहीं है KOH में NaOH में वो सेकेंडरी एमीन है, और टर्शियरी एमीन इससे कोई रिएक्शन नहीं करती। ठीक है जी, एक चीज और मैं बताता हूं, न्यूकास रिएजेंट, न्यूकास रिएजेंट ये क्या होता है, ये होता है एनहाइड्रस ZnCl2 और प्लस कंसंट्रेटेड Cl, एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl इक्विमोलर मिक्सचर बराबर बराबर अमाउंट। तो ये क्या करते हैं जी, ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की पहचान करते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में कैसे पहचान करते हैं, जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं तुरंत क्लाउडीनेस बनाते हैं, तुरंत बादल से बनेंगे, इसका मतलब ZnCl2 की प्रेजेंस में HCl टर्शियरी अल्कोहल से बहुत तेजी से रिएक्शन करता है और तुरंत क्लाउडीनेस आएगा, OH हट करके Cl आ जाएगा। तो जो एडवांस क्लाउडीनेस अपीयर करते हैं या देते हैं वो है टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल जिनमें CH2OH होता है वो 5 मिनट में क्लाउडीनेस आएगी, बादल से बनेंगे, और 5 मिनट
के बाद 10, 15, 20, 25 मिनट तक भी ना आए तो वो प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि उसमें 30 मिनट के बाद आती है और ऑन हीटिंग आती है। तो न्यूकाल रिएजेंट भी हमारा यूज होता है किसमें, इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएसटी अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। और हिंसवर्ग रिएजेंट यूज होता है पीएसटी एमिन्स के आइडेंटिफिकेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, ऐसे ही करते रहें, हमारा भी हौसला बढ़ेगा, आपका भी काम होगा अच्छा। थैंक यू वेरी मच।